आज मैं बना रही हूँ सेवियाँ। मैंने 3 लीटर दूध लिया है। एक पतीले में सारा दूध बॉईल होने रखना है। अच्छे से बॉईल होने तक इसको पका के बॉईल करना है। जब तक ये दूध बॉईल होता है, यहाँ पे साइड में मैंने लिए है 200 ग्राम सेवियाँ। इसको थोड़े से कट कर लेना है ताकि ये लंबे लंबे नूडल्स की तरह ना आए खाने के टाइम पे। तो इस तरह से थोड़े से पीसेस बनाना है उसके, ताकि हम इसको घी में फ्राई करें। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने घी डाला है, इसमें ये सेवियाँ डालें। इसको रोस्ट करना है। ये ऑलरेडी भुने हुए रहते हैं, रोस्टेड रहते हैं। इसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही रोस्ट करना है ताकि ये खाने में और भी टेस्ट आए। इसको लगातार चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। बस 3 से 4 मिनट उतना ही इसको भून लेना है। एक बार ये भून जाए तो इसको एक दूसरे प्लेट में निकाल के इसको स्प्रेड करना है ताकि ये ठंडे हो जाए, नहीं तो ये आपस में चिपके रहेंगे क्योंकि घी डाला हुआ है हमने। इस तरह से घुमाना है इसको। अब इसको मैंने अलग से डाले हुए है, बस स्प्रेड किया इसको ताकि ये ठंडे हो जाए। ये दूध में मैंने शक्कर डाला, ये 2 कप शक्कर है, यानी कि 1.5 किलो शक्कर। इसको और एक बार अच्छे से पकने दीजिए। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं बादाम। ये 50 ग्राम बादाम है, या तो आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते। इसको मैंने पानी में भिगोए हैं। आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हो, या तो 3 से 4 घंटे भी पानी में भिगो सकते हैं। इसको भिगोने के बाद में इसका जो छिलका रहता है उसको निकालना रहता है। इस तरह से निकालिए, ये आपको मैं निकाल के दिखा रही हूँ। ये पानी में भिगोने के बाद में बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसको निकालने के बाद इसको बादाम को कट करना है। मैंने पानी में सिर्फ बादाम और पिस्ता भिगोए, दूसरे ड्राई फ्रूट्स को पानी में नहीं भिगोना है। सिर्फ बादाम और ये जो पिस्ता है उसका ही छिलका निकालना है। अभी छीलने के बाद इसको इस तरह से चॉप करना है, लंबे लंबे से पीसेस बनाने हैं इसके। ये बादाम के मैं पीसेस बना रही हूँ। इसी तरह से पिस्ता का पीस बनेगा। और एक बार ये सारे कट हो जाए तो इसको घी में अलग अलग करके फ्राई करना है। फ्राई नहीं करना है, भूनना है। बस थोड़ा सा ही घी लेके इसको ब्राउनिश होने तक अलग अलग रोस्ट करना है। अब यहाँ मैंने लिया है चिरिंजी। ये आपको कहीं भी शॉप में मिल जाएगा। ये ब्राउन कलर के छोटे छोटे सीड्स रहते हैं, बीज, जिनको कि ब्राउन कवर रहता है। इसको भून लेने के बाद में इसका कवर इस तरह से मसल के निकालना है। इसको पानी में नहीं डालते हैं क्योंकि ये पानी में डालने के बाद ये बहुत ही चिपक जाते हैं और इसका छिलका नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे मैंने लिए है काजू, बादाम कटे हुए, ये पिस्ता कटा हुआ, ये चिरिंजी और ये वाटरमेलन सीड्स। ये सारे अलग अलग करके घी में रोस्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दूध, जिसमें कि 2 या 3 चम्मच खोआ लेना है, खवा जो बोलते हो आप। उसको पहले ठंडे दूध में पिघला लेना है। पिघलने के बाद इसको गैस के ऊपर पकाना है। अब यहाँ पे मैंने लिया है घी, 1 चम्मच घी, और इसको अलग अलग ड्राई फ्रूट्स भून लेना है। अब मैंने डाला है पिस्ता, इसके बाद मैं डालूँगी बादाम। पिस्ता निकालने के बाद में बादाम डालना है, बादाम को रोस्ट करना है, उसको अलग से निकालना है, फिर
आपको चिरिंजी डालना है, उसको भून लेना है, उसको निकालना है, फिर काजू डालना है, काजू भून लेना है, उसको निकाल के फिर वाटरमेलन सीड्स को इसका मतलब इसको अलग अलग से भूनना है। अब यहाँ पे मैं बॉईल कर रही हूँ दूध जिसमें कि खोआ डाला हुआ है, खवा डाला हुआ है, हम खवा बोलते हैं। अब यहाँ पे है दूध, ये दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। ये है ड्राई फ्रूट्स जो भुने हुए थे, इस दूध में बॉइलिंग दूध में डालना है। सारे सारे नहीं डालना है, बस थोड़े से रखना है ताकि हम गार्निशिंग के लिए डाल सकें। जी देखिए मैंने थोड़े से ही डाले, कितनी अच्छी तरह से ऊपर तैर रहे हैं। अब डालने हैं सेवियाँ जो कि हमने भुने हुए थे। बहुत ही संभल के सेवियाँ डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। अगर ये ज़्यादा हुए तो दूध बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा, फिर खाने में मज़ा नहीं आता है। इसको पतला ही रखना है।